पंडुओं के साथ लगते माता बगलामुखी मंदिर के आंचल में वन विभाग द्वारा 8 करोड़ की लागत से बनाया गया नेचर पार्क आज लोगों का पसंदीदा सैरगाह बनता हुआ नजर आ रहा है। माता बगलामुखी के मंदिर में दर्शनों के लिए रोजाना सैकड़ों लोग पहुंचते हैं और मंदिर आने वाले श्रद्धालु अब नेचर पार्क का दीदार करने भी जाने लगे हैं। नेचर पार्क का निर्माण पंडो डैम के जलाशय के उस भाग में किया गया है जहां पर कभी माता बगलामुखी का प्राचीन मंदिर हुआ करता था और यहां पूरा गांव बसता था। यह प्राचीन मंदिर और जलाशय पंडो डैम में जलमग्न हो चुका है। प्राचीनता को दिखाने का इस नेचर पार्क में पूरा प्रयास किया गया है। चंडीगढ़ से यहाँ घूमने आए पर्यटक ने बताया कि नेचर पार्क में जहाँ उन्हें शांति और सुकून मिला वहीं प्राचीनता की झलक भी देखने को मिली है। वहीं स्कूल और कॉलेजों के बच्चे बड़ी संख्या में यहाँ पिकनिक मनाने पहुँच रहे हैं। कुल्लू जिला से आए स्कूल के अध्यापकों ने बताया कि उन्हें नेचर पार्क आकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और भविष्य में वे अन्य लोगों को भी यहाँ आने का सुझाव देंगे। यहाँ हिमाचल के साथ साथ बाहरी राज्यों के पर्यटक भी आने शुरू हुए और जो भी यहाँ आता है तो इस पार्क को देख के बहुत खुश होते हैं और दूसरी बार आने का भी वादा करके जाते हैं तथा यहाँ के जो भी दूर दूर से स्कूल चिल्ड्रन भी यहाँ भारी मात्रा में आ रहे हैं तो बाकी काफ़ी दिन प्रतिदिन यहाँ जो है तो पर्यटकों की जनसंख्या में बढ़ावा हो रहा है जी। चंडीगढ़ से आए हैं और यहाँ बगलामुखी माता जी के मत्था टेकने आते थे। पता लगा कि यहाँ नेचर पार्क सरकार द्वारा बहुत अच्छा बनाया गया है। उसको देखा तो काफ़ी कुछ बहुत अच्छा लगा। बड़ी शांति है, बड़ा अच्छे ढंग से बनाया गया है। रहने की व्यवस्था भी है, यहाँ पे अच्छे रूम्स हैं और आप अपनी फैमिली के साथ आके अच्छा एंजॉय कर सकते हैं। तो मन बहुत खुश हुआ ये देख के कि इतनी अच्छी जगह, लोग बाहर देश विदेश जाते हैं अपने देश और ख़ासकर हिमाचल की ब्यूटी को हम लोग देखते नहीं हैं। हमें सबसे पहले अपने देश का और ख़ासकर हिमाचल का ये देखना चाहिए जो जो खूबसूरत भगवान की तरफ से दी गई है प्रकृति ने। तो मैं बड़ा थैंकफुल गॉड का भी और इतना अच्छा बनाया और बाकी सरकार द्वारा भी बहुत अच्छे ढंग से बनाया गया और इसको काफ़ी अच्छी तरह बनाया गया और पब्लिक के लिए बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पे। यहाँ खास करके हिमाचल का जो पुराना इतिहास है, परंपरा है, जो है इनके यहाँ के प्रकृति जो मकान है प्रॉपर स्लेट के बनाए गए हैं क्योंकि नए बच्चों को अब पता ही नहीं लेंटर सिस्टम आ गए हैं। पुराने इस स्लेट के मकान बनाए जाते थे और गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म रहते थे। वो चीज़ बच्चों को देखने के लिए मतलब अच्छी लगती है कि उनको बताया जा सकता है कि ये पुराना हमारा हिमाचल ऐसा था, पुराना इतिहास बताया जा सकता है। राज्य सरकार के निर्देशों पर वन मंडल नाचन ने नेचर पार्क का निर्माण कार्य नवंबर 2019 में शुरू किया था और सितंबर 2022 को इसे बनाकर जनता को समर्पित कर दिया था। यहां पर रात्रि विश्राम की व्यवस्था भी है। वन खंड अधिकारी अरविंद कुमार ने बताया कि मात्र कुछ समय में ही नेचर पार्क के प्रति लोगों का काफी ज्यादा रुझान देखने को मिल रहा है। रोजाना यहां बड़ी संख्या में लोगों का आना हो रहा है। उन्होंने बताया कि विभाग की तरफ से लोगों के लिए सभी प्रकार के उचित बंदोबस्त किए गए हैं। एक्चुअल में हमारा था जाने का रिवाल्सर, लेकिन रोड ब्लॉक की वजह से फिर बताया गया कि यहाँ पर एक बाखली में बहुत अच्छा नेचर पार्क है तो वहीं कर लो आप जाके एंजॉय बच्चों के साथ। यहाँ आए तो ये तो बहुत सुंदर जगह है, जो ट्री हाउस बना हुआ है, ये हट्स बने हुए और परंपरागत तरीके से हमारे जो पुराने कल्चर है उस हिसाब से बने, तो बहुत अच्छा है और बहुत खुली जगह है तो बच्चे भी आनंद ले रहे हैं, हम भी आनंद ले रहे हैं। न्यूज़ डेस्क N1 लाइव।